मैं बहुत स्पष्ट कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, वापस दोहरा रहा हूं कि पुलिस ने डे वन से 304 आईपीसी का ऑफेंस रजिस्टर करने का बात हो, या कोर्ट में जो हमने एडल्ट करके ट्रायल करने का बात हो, या फादर और पब्स वालों पे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत गुनाह दाखिल करने की कार्रवाई हो, पुलिस की भूमिका सख्त पहले दिन से शुरुआत से है। मैंने कल ये भी किया था कि मैं ओपन, हमारा चैलेंज है कि कोई भी लीगल एक्सपर्ट का पैनल हमारे सामने आ जाए और इसमें कोई दूसरा मार्ग जो कि हमने जो भूमिका ली है उससे ज्यादा स्ट्रिंजेंट हो सकता था, अगर कोई हमको सुझाए तो मैं उस चर्चा के लिए तैयार हूं। मैं जवाबदारी के साथ कहता हूं कि लीगल प्रावधान में जो भी तरतूद है उसमें जो भी मोस्ट स्ट्रिंजेंट पॉसिबल जो मार्ग था वो पुलिस ने लिया है और उस मार्ग पे पुलिस चल रही है। किसी प्रकार की आरोप कोई करे कि पुलिस ये नहीं किया वो नहीं किया, उसके बारे में मैं जवाब देने के लिए मैं उचित नहीं समझता, लेकिन मैं इवन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन मैं ये बताना चाहूंगा कि पुलिस ने लीगल एक्शन लिया है और प्रॉपर लीगल मार्ग पे चला है। फिर भी अगर किसी को कोई इसमें सुझाव है जरूर हमारे पास आए, मैं ऑफिस में हूं, मैं ऑनलाइन डिबेट में जाने को तैयार हूं, एंड वी विल ट्राई एंड प्रूव टू ऑल कंसर्न ऑल स्टेक होल्डर्स वी हैव अडॉप्टेड द मोस्ट स्ट्रिंजेंट पॉसिबल अप्रोच एंड वी शैल डू वॉट एवर इज एट आर कमांड टू एंश्योर दैट द टू यंग लाइफ विच वर लॉस्ट गेट्स जस्टिस एंड द अक्यूज गेट्स ड्यूली पनिश्ड। FIR में 5 आरोपी थे, उसमें से 3 आरोपियों को कल हमने लेट नाइट अरेस्ट किया, उनको आज हम कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे, जो उसके फादर है और जो एक और आरोपी था उसको आज ताबे में, फादर को औरंगाबाद, वो फरार था परसों से, उसको आज अर्ली मॉर्निंग आवर्स में औरंगाबाद से एक होटल से उसको ताबे में लिया गया है और उसको ट्रांजिट पे यहां लाया जा रहा है। ट्रांजिट पीरियड जो जब तक वो पहुंचेगा उसके बाद जो भी मेडिकल और बाकी फॉर्मेलिटीज है करके उसको कल कोर्ट में ये दोनों आरोपियों को प्रोड्यूस किया जाएगा। मतलब उधर औरंगाबाद में पहले प्रोड्यूस कर? नहीं, औरंगाबाद में प्रोड्यूस नहीं, उनको ताबे में लेके आ रहे हैं। डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है, ट्रैफिक कंजेशन रहता है, आते आते शाम शायद हो जाए, आने के बाद उनको हम कल प्रोड्यूस करेंगे।